हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे तीन कार्ड दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस पे रीडिंग हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब रीडिंग होती है तो आप देखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है सर आपको पसंद नहीं है, लेकिन कमेंट देखो तो आपके कमेंट रहते हैं इसी टॉपिक पे। आप समझ ही गए होंगे किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। करियर, जॉब कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कब तक नौकरी मिलेगी, चाहे सरकारी मिले चाहे जो भी, कब मिलेगी। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने अभी एक किया भी था, तो सबसे ज़रूरत किस चीज़ की है, तो उसमें भी रोज़गार था कि आपको रोज़गार की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं, वही टॉपिक है। तीन कार्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो रीडिंग होगी बहुत क्लियर होगी, ठीक है? मतलब क्लियर आंसर खोजेंगे कि कब तक, हम भी जानना चाहते हैं कि कब तक, ठीक है? हमें भी चाहिए जानना है, हम भी चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आपको कब तक मिलेगी नौकरी। तो यहाँ पे तीन कार्ड हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हैं इस समय, जो भी आप कहना चाहते हैं यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, जिस शक्ति की भी आप पूजा करते हैं उनसे, बस उसे ध्यान में लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आप सोचिए उस चीज़ के बारे में जो चीज़ आप चाहते हैं, और पूछिए वो प्रश्न कि आखिर कब तक आपके जीवन में वो चीज़ होगी, और कब तक, मतलब किस किस रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ेगा। बहुत अच्छे रास्ते होंगे, बुरे रास्ते होंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज चाहिए। उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से कार्ड को चुनना है। आंखें बंद कीजिए, उसके बाद आंखें खोलिए, हर एक कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि समय कम है तो आप वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आप आराम से हर एक कार्ड को देखिए और अपनी जो भी विषय है उसके हिसाब से सोचिए, फिर चुन लीजिए। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से, जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड चुना है आपने, आइए देखते हैं कि आपके जीवन में नौकरी, जॉब, करियर कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में जॉब आपको कब मिलेगी। रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें होते होते बिगड़ जाती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है आपके साथ, बहुत कंपटीशन। मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, तो हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। वैसे तो इस समय जॉब आप कहीं भी लेने जाएँ वहाँ पर प्रतियोगिता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वो भयंकर वाली प्रतियोगिता है जिसमें बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं और स्ट्रगल बहुत लंबा होता है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ऑप्शन। देखिए, जब तक आपके सपने नहीं पूरे होते, मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वैकेंसी नहीं निकल रही है, या फिर टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप चाहें तो एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस ऐसा हो ना जिसमें अगर कोई आपसे कहे कि पार्टनरशिप चाहिए, करनी है, मेरे साथ मिलके कोई काम करना है, तो आप करिए उस काम को, उसमें सफलता आपको मिलेगी, ठीक है? और साथ में अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भी करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, वो भी अच्छा आपके लिए है। और आपको जो सफलता है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलेगी। तो मेहनत से कभी भी हिचकिचाइए नहीं, मेहनत से दूर मत भागिए, मेहनत कीजिए, मेहनत आपको सब कुछ दिलाएगी। टाइम लगेगा, क्योंकि लग रहा है ना कहीं आप चीज़ें बनते बनते आपकी बिगड़ जाती हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। बिजनेस कर लीजिए आप, मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप कर लीजिए किसी काम में, बहुत फ़ायदा देगा आपको ये चीज़, इसमें आपको बहुत इनकम भी होगी। लेकिन अपना स्वयं का बिजनेस स्टार्ट कर दे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अगर कोई इंसान आपसे कहता है, आपका दोस्त हो या फिर आप फीमेल पर्सन है, आपकी फ्रेंड आपसे कह रही है चलो मिलके कोई काम करते हैं, कोई पार्ट टाइम काम करते हैं, तो उस काम को भी ट्राई कीजिए, आपके लिए यहाँ अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है? क्योंकि ये ज़रूरत है आपकी। देखिए, आर्थिक स्थिति अच्छी बनाना हर इंसान का सबसे पहला कर्तव्य होता है। हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अब आइए हम देखते हैं कब तक, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही था कि आपको कब तक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो सरकारी नौकरी में थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती हैं आपकी, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। समय लगभग जो होगा ना,
अगर काफ़ी टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड में हैं, तो वो 6-7 महीने का समय दिख रहा है। ठीक है, 6-7 महीने बाद आपकी लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन आपको कहते हैं ना, मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत की वजह से ही आपको सब कुछ लाइफ में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होगा वो 1 साल का दिख रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ही अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या फिर अभी आप 12th का एग्ज़ाम दे के अभी निकले हैं, तो फिर टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लगेगा। अभी तो स्टार्ट हुई है आपकी पढ़ाई, अभी आपकी सफ़र शुरुआत हुई है सफ़र की, तो टाइम लग सकता है। देखिए, ये कार्ड आपके लिए आया जो कहीं ना कहीं दिखाता है ना कि सफलता आपकी किस्मत में है, भाग्य आप में आपकी किस्मत, जो कहते हैं हम, कहते हैं ना, हम ना हाथ देखते हैं, सोचते हैं हमारे हाथों में वो लकीरें हैं या नहीं हैं। बिल्कुल आपके हाथों में वो लकीरें हैं, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि आपको सफलता मिलेगी, देर से मिल सकती है, लेकिन ऐसा समय भी आएगा आपके जीवन में, या फिर हो सकता है अभी आप उस समय से गुजर रहे हैं जहाँ आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं है, वो भी समय भी आएगा, लेकिन सफल आप रहेंगे। जब आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे वो समय आएगा। मैंने आपको बताया एक समय क्या हो सकता है। देखिए, कार्ड्स हैं और ये जनरल रीडिंग है, तो हम एकदम एक्सैक्ट आपको नहीं कह सकते हैं ना कि इतना समय लग सकता है, लेकिन अगर हम कहें एक समय, तो अच्छा समय जो होगा वो नेक्स्ट ईयर में, बरसात का जो सीज़न होता है ना, जुलाई जुलाई का मौसम जो होता है जिसमें बारिश हो रही होती है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं वहाँ का कोई और तरीका होगा बारिश, मतलब ये होता है ना कि हम अभी हम यहाँ यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ जुलाई से मौसम स्टार्ट हो जाता है बरसात वाला। जो लोग केरल की तरफ रहते हैं उनके यहाँ जून से स्टार्ट हो जाता है। उत्तराखंड में कोई और समय है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो जब भी आपके एरिया का जो मौसम है बरसात वाला हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ बारिश वाला मौसम आ रहा है, उस समय आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट ईयर आपका जो समय होगा जुलाई का मौसम, बहुत अच्छा समय होगा। मतलब अभी तक जितना ये सब समय जब जाएगा ना, खूब पढ़ाई करेंगे आप, स्ट्रगल करेंगे, परेशान भी होंगे, सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन सफलता जो आपको मिल जाएगी गारंटी के साथ, अगर हम कह दें। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय बता रही हूँ आपको, और ये सारा सुन के आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा कि इतना समय स्ट्रगल मिल जाएगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको सफलता मिलेगी भी। ठीक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए, और सबके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। मुझे नहीं पता है कि आप कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना साल हो चुका है, क्या एज है आपकी। एक ऊपर ऊपर तौर पे हम कहते हैं, जो हम कह देते हैं ना मोटा मोटा, तो हम बता दिए कि ये समय हो सकता है, और हो सकता है कि आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी जो जुलाई का मौसम स्टार्ट होगा, बरसात का मौसम स्टार्ट होगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 6-7 महीना, तो 6-7 महीने बाद ही वो समय आने ही वाला है बरसात वाला। ठीक है, मानसून का मौसम जो होता है बहुत अच्छा रहने वाला है इस बार आपके लिए वो समय। और बहुत सारे लोग के, अगर मान लीजिए अभी जल्दी स्टार्ट किया है आपने स्ट्रगल करना, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर, और अगर आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि इसी साल आपको देखने को मिलेगा 6-7 महीने बाद अच्छा समय आपके जीवन में। और मेहनत मत छोड़िएगा, क्योंकि मेहनत ही आपको सब कुछ दिलाएगी, लक नहीं काम आने वाला, क्योंकि लक काम आपका आता भी है ना, लक जब भी आपका सपोर्ट करने चलता है ना, तो कोई ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि फिर से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अब हम इसको कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार होता है कि नज़र लग जाती है लोगों की, नज़र बुरी नज़रें भी होती हैं, कि नेगेटिव एनर्जी हम किसे कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी वही तो होती है ना कि नज़र लग जाती है। तो समझ लीजिएगा कि आपकी भी जब तरक्की होने वाली होती है ना, तो नज़र लग जाती है, तो नज़र उतारें, काला धागा पहने, छोटी मोटी टुटके हम आपको बता रहे हैं, काला धागा पहन लें, अपने जो भी चीज़ें आप करते हैं सफलता प्राप्त हो रही होती है ना, तो उसको किसी के साथ शेयर ना करें। जब चीज़ें आपकी पूरी हो जाए तब उसके बाद ही बताएं, पहले से जो कहते हैं ना, पहले से नहीं कुछ कहना चाहिए, वो मत कहिए आप। जब तक चीज़ें आपके हाथ में ना आ जाए तब तक लोगों को मत बताइए, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें बनती हैं फिर बिगड़ जाती हैं। तो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना था। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2, यानी ये 2 वाला कार्ड चुना है, आपके लिए संदेश था, लेकिन हमारा काम केवल था कि हम तस्वीर को देख के आपको रीडिंग दें, पीछे के संदेश को हम किसी और रीडिंग में देखेंगे, वो हमने अभी क्वेश्चन नहीं किया था। तो आपका कार्ड नंबर 2 है, आइए देखते हैं आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, जो क्या कुछ आपके करियर में होने वाला है।
तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है कि आपके लाइफ में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, वाओ, बहुत ही लकी पर्सन है आप। बस लग रहा है कि काफ़ी समय से आप लगे हुए थे, जस्टिस का कार्ड भी आपके लिए है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ देख के। बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, सरकारी नौकरी के काफ़ी चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी सरकारी नौकरी में जा रहे हैं जैसे कि कोर्ट कचहरी, जिसमें आप जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी पद हो सकता है, सलाहकार हो सकते हैं, तो अगर इस फील्ड में है तो आप गारंटी के साथ है कि आपको कामयाबी मिलने वाली है। बस अपने लक्ष्य को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, और अब आपके लाइफ में वो समय आएगा जब आपको जॉब मिलेगी, और ये जॉब आपको ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलेगी। आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर भी रहे हैं। एक महीने बाद आप देखिएगा, जब इस रीडिंग को आप देख रहे हैं ना, एक महीने के बाद का समय बहुत अच्छा है आपके लाइफ के लिए, और इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और कामयाबी जो कहते हैं ना, आपके कदम चूमने वाली है। बहुत जल्दी आपके जीवन में वो समय आने वाला है। सरकारी नौकरी के काफ़ी चांसेस हैं कि आपको, जो भी कार्ड चुना है ना, मुझे लग रहा है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई काम आपने स्टार्ट किया है, उसमें आपको फ़ायदा तब होगा जब आप जी तोड़ के मेहनत करेंगे। आप देख सकते हैं, तो जी तोड़ के मेहनत आपने की है, जैसे पसीना बहा के, खून पसीना जो हम कहते हैं ना, एक मुहावरा टाइप का है, लोकतियाँ हैं जो कहते हैं हम लोग की भाषा में यूज़ करते हैं, खून पसीने की कमाई। तो खून पसीना अगर आपने बहा दिया है बिजनेस करने में, तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत जल्दी वो कहते हैं ना, एक जो द्वार है वो खुलने वाला है, एक तरक्की का द्वार खुलने वाला है आपके सामने। एक गोल्डन समय आने वाला है जहाँ पर आपको चीज़ों को करने के लिए, अगर ये हो, मान लीजिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, और सामने से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, कोई ऑफ़र ही नहीं आ रहा, तो आप पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई करके फिर कर, मतलब पढ़ाई कर लिया हमने, लेकिन जब तक हमें सामने से ऑफ़र नहीं आएगा तो हम कैसे कहेंगे कि हमें कब जॉब मिलेगी? ऑफ़र आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वैकेंसियां आएंगी, आपको समय मिलेगा परीक्षा देने का, आपको मौका मिलेगा परीक्षा में बैठने का, और कुछ जो भी आपने तैयारी की है उसको का रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। जस्टिस का कार्ड जब आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, आपने जो कर्म किया बस उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो डरे वो लोग जो उन्होंने अच्छा कर्म किया नहीं, अच्छा करने का यहाँ पे मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, शॉर्टकट में आप सफलता खोज रहे हैं, तो उनके लिए डरने वाली बात है। लेकिन जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है और काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जस्टिस का। तो यही बात है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो मुझे तो मिल गया आंसर, आपको भी मिल गया होगा जब मुझे मिल गया है तो, कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में समय आने वाला, इसी साल जब इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, एक महीने के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, सेलिब्रेशन का साल है, मतलब आप खुश रहेंगे, जो आपको कहते हैं ना कि दुनिया जीत ली आपने, तो वही साल है बस। अब बस जो भी बातें मैंने आपको बताई, उस काम को करते रहिएगा, बहुत ध्यान से अपने काम को कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहिए। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, बहुत ही प्यारा सा कार्ड आपने चुना है। आइए देखते हैं सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब, करियर में क्या कुछ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोग कहते तो हैं कि मैम बनाइए, लेकिन आप देखते नहीं हैं, फिर तो हम सोचते हैं शायद आपको ये टॉपिक पसंद नहीं है। और जब हम लव रीडिंग करते हैं तो आप लोग को टॉपिक पसंद आता है, तो इसीलिए लव रीडिंग ज़्यादा हो जाती हैं। तो लेकिन अभी मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हम बना रहे हैं जो, जिसकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, चाहे आप जितना इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि लाइफ सारी शुरुआत यहीं से होती है। करियर अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, इस बात को जितना जल्दी आप समझ सकें उतना बेहतर होगा। अभी देखिए, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये दोनों ही चीज़ मुझे काफ़ी सही दिख रही हैं। आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, बहुत जल्दी एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, या फिर एक कोई नई पढ़ाई में आप जा रहे होंगे। आपके लिए बिजनेस भी बहुत अच्छा है, आपके लिए सरकारी नौकरी भी बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी आपको कब तक मिलेगी, क्या चांसेस हो सकते हैं,
थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई जॉब छोड़ी है अभी, कोई जॉब आप करते थे, या तो फिर कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ दिक्कत आई है आपकी जॉब में, सरकारी नौकरी की जो चांसेस आपकी बनेंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी कुछ ऐसा अपने जॉब में कुछ चेंजेस किया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान भी हुआ है और आपको बहुत अफसोस भी है उस बात का। बहुत सारे लोग के साथ तो नहीं कनेक्ट होगा, लेकिन जिनके साथ भी ये बातें हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी आपको दुखी नहीं रहना है, क्योंकि अभी आगे से आपके लिए पास बहुत मौके ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखिए, लगभग मुझे लग रहा है जून का जो समय होगा, जून का समय होगा, जो भी 6 महीने बाद का समय होगा। चलिए ठीक है, अब टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जब इसको पोस्ट करूँ तभी आप देखें, हो सकता है 1 साल बाद आप देखें, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने कहा था जून। तो जब भी कहते हैं ना कि एकदम गर्मी वाला मौसम होता है ना, तब आपके लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। और बहुत पॉजिटिव समय आपके लाइफ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लग रहा है। यहाँ पे कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं ना कि आपने अपने लाइफ में करियर को काफ़ी उलझा के रखा है, आप जो चाहते हैं उसकी दिशा में आप काम नहीं कर रहे हैं, उसके उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि कोशिश में कमी रही है आपके। ठीक है, कोशिश में कमी रही है, अगर आप कोशिशों को अपने और सफल बना देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके परेशान रहे हैं। अगर आपको शादी हो चुकी है तब भी, और नहीं हुई है तब भी, उसकी वजह से आपका करियर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना कि आपने ध्यान नहीं दिया और अभी आप थोड़ा परेशान हैं सब चीज़ों को लेके। चलिए हम देखते हैं आपकी लाइफ में सरकारी नौकरी आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में है या नहीं। देखिए, बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सरकारी नौकरी की हम बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी भी मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है। लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा आप, ठीक है, बहुत जल्दी फ़ायदा होगा उसमें। सरकारी नौकरी का देखिए ये होता है ना कि जब तक इंसान बहुत ज़्यादा एकाग्र हो के उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत ना करे ना, तब तक मिलती नहीं है, ऐसी ही चीज़ है सरकारी नौकरी। तो अगर आपने मेहनत की है तो रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया ना, जब एकदम धूप वाला मौसम होता है, जो जून का मौसम होता है, मई जून गर्मी वाला मौसम जो होता है, बहुत अच्छा समय रहेगा वो आपकी लाइफ के लिए। अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो अभी आपको बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कोई सोच है आपकी कि इस तरह का बिज़नेस आपको करना है, तो आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें आपको। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप महिला हैं और हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा दिख रहा है, उसमें बहुत तरक्की होगी आपकी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम लोग होंगे जिनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट होगी, क्योंकि ऐसे कार्ड्स थे। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी आपको, ये पूरी रेटिंग पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।